पकौड़े आलू वाले, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और इधर भाई हमारी बनी हुई जी चना चाट और पतनी सारी सब्जियां डली हुई हैं इसमें, देख के मुंह में पानी आ रहा है। इधर भाई फ्रूट चाट है। Assalamualaikum everyone, this is Wasim Shahzad. Welcome to a new video. I hope कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। आज है भाई पहला रोजा, तो माशाल्लाह से टाइम जो है ना भाई 2 बज गए हैं पूरे और रोजा माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जा रहा है, कोई फील नहीं हो रहा। आज लग रहा है वैसे जैसे रोजे स्टार्ट हुए गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। रात को ना भाई कल मतलब बारिश वाला मौसम था, अभी जो है ना बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई है। भाई अल्लाह ताला ने माह रमजान बनाई वो एक तो सबर का महीना भी है, दूसरा इम्तिहान भी अल्लाह ताला जरूर लेता है। गर्मी आएगी आएगी कुछ हो जाए ना, रोजा रोजा होता है, बेशक सर्दी हो या गर्मी हो मुंह बंदे का ना बंद होता है किसान का, बंदे को पता होता है कि यार मैं कुछ खा नहीं सकता तो थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो पिछली गर्मी में थी। तो अल्लाह करे इसी तरह से अच्छे अच्छे गुजर जाए। तो आज की रूटीन आपके साथ भाई अफ्तारी की भी शेयर करेंगे और एक और भी आज बड़ा स्पेशल इवेंट है वो भी शेयर करना है, लेकिन उससे पहले भाई एक पार्सल आया हुआ था इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चले भैया ओपन कर दें इसको, इस बार भाई कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करना, आपको बस दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है। एक दो और ये तीन, ये तीन किस्म के भाई ऑयल मैंने मंगवाए थे। ये भाई एवोकाडो ऑयल है, ये भाई कौन सा है, ये फिश ऑयल है, और ये बॉटल भाई टेढ़ी हुई हुई है देख लो, और ये है जी जैतून का ऑयल है यानी कि ऑलिव ऑयल है। ये तीन तरह के मैंने तेल मंगवाए थे। मैंने कहा ना ये सर में भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ना ये फिश ऑयल पता नहीं किसी, फिश ऑयल किधर गया, हाँ फिश ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये बालों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई होता है बहरहाल इसमें ना, ये अच्छा होता है इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मंगवाए थे। बाकी एक चीज़ इसमें है भाई, बोतलें थोड़ी थोड़ी ना ये देख रहे हो टेढ़ी हो गई, लेकिन शुक्र है लीक नहीं हुई। इनको चाहिए था कि ना इनको बॉक्स में पैक करते। चले खैर जी ये आ चुके हैं भाई। जो ना भाई कुछ इस तरह का मौसम है भाई, रोजे में गर्मी से डर नहीं लगता, मुझे वैसे ही गर्मी से डर लगता है कहीं गर्मियाँ आ ना जाए, पसीने आएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो, इरीटेटिंग से इन्वायरमेंट बन जाता है। तो अल्लाह करे भाई मौसम जो है ना अच्छा ही रहे, तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाए। मैं तो कहता हूँ सारा साल ही सर्दियाँ चलें इस तरह का मौसम, लेकिन वो कहते ना इंसान के बस में तो नहीं होता। अब्बा जी भी आ गए हैं जी, सुनाएं भाई रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? बड़ा रोज़ा जानता पे है। नहीं भाई गले भाई अम्मा जी और अब्बा जी का रोज़ा नहीं होता तो हाँ ये हाँ दवाई लेनी होती है अब्बा जी ने भी भाई और अम्मा ने भी दवाई लेती हैं। हड़ताल की थी खाएंगे। अच्छा हाँ जी, मैं तो कहूँगा भाई ना करें, लास्ट टाइम भी अम्मा ने भाई रोजा रखा था तो बीमार हो गई थी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अम्मा रोजा ना रखें, बस आप खिला देती हैं ना आपके रोजे का सवाब मिल जाता है। प्रैक्टिस करें दिखा लिया सही है, अच्छी होंगे तो नहीं आप बस ना भी रखे तो कोई बात नहीं, आपके रोजे हो गए। तो अफ्तारी का सामान तो जो है ना भाई मुनव्वर लोग सारा लेके आ चुके हैं, बाकी अभी एक और इवेंट रहता है जिसके लिए भाई मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई थी कि छोटी सी शॉपिंग की थी, उसके लिए मैंने तैयारी करनी। बाकी भाई एक टेबल पड़ा था हमारे घर में वहाँ, फिर उसको भाई रख दिया इधर, और ऊपर कपड़ा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा रूम के साथ, कंट्रास्ट बना पड़ा, सब कहते थे वैसे कंट्रास्ट बना पड़ा है देख लो। तो भाई कवर चेंज करना, ये टेम्परेरी रखा हुआ है क्योंकि ना अफ्तारी वगैरह करनी होगी ना, तो शायद हम इधर ही कर लिया करेंगे। आज भाई है भाई सहर का बर्थडे। हाँ जी हाँ जी, मैं से इंतजार ही बैठी हूँ तेरा गाल करने। हाँ जी बताएं भाई, केक लाया। हाँ जी मैंने फूल शोल फूल बूटे लाया। हाँ फूल बूटे लाया। हाँ जी दूसरा नहीं भले तू खमना। अच्छा तेन शौक होना रोज टाइम वही अपने कर लेंगे। अच्छा टाइम ना हर चीज लाया थे, वो पैक शेक करके थे फिट फाट कर रही हाँ। भाई माह रमजान है तो और अफ्तारी के बाद ही सेलिब्रेशन होगी, वैसे भी शाम को ही होती है सेलिब्रेशन, छोटी सी होगी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन मजा आएगा इंशाल्लाह आपको देख के। तो उसके लिए भाई जो प्रिपरेशन करनी है, केक वगैरह लेके आना है, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेना है वो लेके आना है, और खाने पीने की कुछ छोटी मोटी चीजें लेके आनी है। तो उसी के लिए भाई मैं अभी ये टाउन जाता हूँ जहाँ से मिलती हैं वो लेके आता हूँ, और फिर इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी करेंगे और आज अफ्तारी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आज हमने अफ्तारी में क्या क्या खाया क्या क्या बनाया। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, जिन्होंने अभी तक भाई सहरी की वीडियो नहीं देखी ना वो भी इस वीडियो के बाद लाजमी देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं इस बार रेसिपीज भी नई नई ट्राई करूंगा, तो उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन वो यहाँ से टाउन से नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए मुझे सिटी जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में वो भी ले आऊँगा, फिर इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल भाई केक लेके आना है और डेकोरेशन का जो सामान लेके आना है।
दिल तो था कि मेरा बाइक पे जाऊं, क्योंकि ना गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है जी कपड़ा, अब वो हटाने लगूं तो बड़ा ना टाइम लगना है। लेकिन केक लेके आना है, बाइक पे मैं अकेला नहीं ला सकता, तो गाड़ी पे ही जाना पड़ेगा। तो घर से मैं निकल आया हूँ भाई, सबसे पहले तो टाउन जाना है, वहाँ से केक लेना है और डेकोरेशन का सामान होप सो मिल जाए, नहीं तो फिर मुझे दूसरे टाउन जाना पड़ेगा। अल्लाह करे यार एक ही टाउन से मिल जाए। गाड़ी का पेट्रोल ही बड़ा महंगा है, नहीं इधर उधर घुमाई जा सकती गाड़ी, इसलिए बाइक का सोच रहा था। लेकिन मुबशर भाई नहीं आया मेरे साथ, इसलिए अकेले ही जा रहा हूँ। और गर्मी भाई माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई है अचानक से, सडनली कल बारिश हो रही थी यार, मैंने कहा था ना कि मौसम क्लियर हो गया तो गर्मी भी पड़ सकती है। टाउन पहुंच गया हूं मैं, और दही वाला भाई जो है ना यहां पे खड़ा होता है जहां पे टंकी पड़ी है हवा भरने वाली, लेकिन अभी तक उसकी रेडी नहीं है। वो शाम को आया करेगा, माह रमज़ान में भाई दही वाले बड़े जल्दी बिकते हैं, तो वो शाम को ही आएगा, फिलहाल नहीं खड़ा हुआ। माह रमज़ान में ना भाई दही वालों की बहुत डिमांड होती है, लोग मोस्टली बाज़ार से ही खरीदते हैं, घर में टाइम ही नहीं लगता लोग अक्सर लोगों को, तो इसलिए ना वो शाम को आते हैं तकरीबन तीन बजे के बाद, चार बजे के करीब, और बस घंटे डेढ़ में बेच के चले जाते हैं। आजकल दही भले भी बहुत महंगे दे रहे हैं, ये घर में बनाने वाला सिस्टम करना पड़ेगा। शॉप पे मैं आ गया हूँ केक लेने के लिए, और केक जो ना भाई के पास अवेलेबल है, ये डिफरेंट डिज़ाइन पड़े हैं, 2 पाउंड का है, 1 पाउंड का है, जो आपको चाहिए हो। लेकिन भाई ना जो डेकोरेशन का सामान होता है ना वो इनके पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए शायद मुझे अंदर बाज़ार जाना पड़े, वो मैं पता करता हूँ पहले, उसके बाद फिर केक ले जाऊँगा। बाकी भाई इधर बिस्किट वगैरह भी अवेलेबल है, काफ़ी वैरायटी है। गाड़ी में बाहर मेन रोड पे पार्क करके आया हूँ, इधर गली में आया हूँ, यहाँ पर एक शॉप है, शायद यहाँ से डेकोरेशन का जो ना केक के डेकोरेशन का सामान मिल जाए और बलून्स वगैरह भी मिल जाए। यहाँ ना मैंने आके ये कैंडल्स वगैरह चेक किए हैं, मुझे ना ये पसंद आई है, कई पड़ी तो और भी हैं लेकिन ना ये ज़्यादा पसंद आई। जो मैं सोच रहा था ना वो जो फुल जड़ी टाइप होती है वो इनके पास नहीं थी। अभी बलून्स देखने हैं वो कौन से लेने हैं, स्नो वगैरह का प्लान बना तो वो भी ले लेता हूँ। बलून्स भाई जो है ना ये 5 रुपए का एक मिल रहा है, तो मैं काउंट करके ले लेता हूँ। हाँ ये भी दे दें, ब्लैक वाले भी कुछ दे दें, 2, 4, 6, 8, 10 10 व्हाइट वाले दे दो, 10 ब्लैक वाले दे दो, और 10 जो है ना ब्लू वाले। चले भाई गुब्बारे भी हो गए, कैंडल भी हो गई, ये एक मैंने सेलिब्रेशन के लिए कैप भी ले ली है सहार के लिए, फिलहाल इनके पास यही वाली सेलिब्रेशन की चीज़ें पड़ी हैं, ये नीचे दूसरी भी पड़ी हैं, एक या ना ये स्नो वाला स्प्रे भी दे दो। तो डेकोरेशन का सामान जो है ना मुझे मिल गया है, जो मुनासिब चीज़ें थी वो ले ली हैं मैंने, तो गंद फैलाने वाली मैंने ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ना कमरे में होनी थी ना तो फिर कचरा फैल जाता है। केक जो है ना ये वाला पसंद किया है, और इसके ऊपर नाम लिखवाता हूँ अभी, H.B.D. SAHAR SAHAR ले भाई ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से भाई लिखवाओ ना तो इसी तरह की हैंडराइटिंग होती है, या तो प्री ऑर्डर करके आओ ना फिर वो बड़ा सही से लिखते हैं सांचो की मदद से, तो सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है। केक भी ले लिया है साथ में, कुछ ना बिस्किट्स वगैरह लिए, नान खताइयाँ वगैरह लिए, वो भी ले लिए। अब निकलते हैं घर के लिए जल्दी जल्दी, केक जो है ना पिघल जाएगा, गर्मी है गाड़ी में ना। तो टाइम जो है ना 5:49 हो गए हैं, और 6:21 पे हमारा जो है ना रोज़ा इफ्तार होगा जी। और भाई अभी जो है ना थोड़ा सा फील हो रहा है, गला ना खुश्क हुआ खड़ा, असल में ना जब सुबह सुबह बंदा उठता है ना उस वक्त गला खुश्क हो जाता है, जब लास्ट टाइम आता है ना तब गला खुश्क हो जाता है। वो मतलब शदीद वाली प्यास नहीं लगी हुई, लेकिन वो ना शिद्दत थोड़ी सी फील ज़रूर होती है कि यार मैंने सुबह से मुँह बंद किया हुआ कुछ नहीं खाया, तो वो ना माइंड सेट हुआ था कि प्यास फील करनी है, बाकी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो खैर अभी तैयारी वगैरह हो चुकी है जी इफ्तारी के लिए रेडी, और इधर भाई आज जो है ना सेटअप बनाया है जी बाहर बैठने के लिए सबके लिए, चेयर्स वगैरह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम बना हुआ है, क्योंकि ना अब दिन हो गए हैं जी बड़े और सूरज मतलब अभी ढलने वाला होता तो हमारी इफ्तारी जो है ना हो जाया करेगी, ऐसा ऐसा टाइम बढ़ता जाएगा, तो इसलिए जो है ना भाई आज इंतज़ाम बाहर ही किया है, बड़ा यूनिक किस्म का, वो देखो प्यारा लग रहा है, फ्रेश हवा में बैठ के सेहन में सब लोग इफ्तारी करेंगे,
तो अभी सामान वगैरह लगा रहे हैं। मैं जो है ना भाई बैठ के इधर कर रहा हूँ इंतज़ार, अभी कुछ नहीं लगाया कि मक्खियाँ वगैरह ना आए, जब टाइम होने लगेगा ना तब लगाएंगे। तो मैं बस अभी इंतज़ार में हूँ कि देखते हैं कि क्या क्या खाने को मिलता है और क्या क्या बना हुआ है, तो आपको भी दिखाऊंगा भाई। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी सारे थके हुए अपने कमरों में। सब लोग जो है ना अफ्तारी के लिए भाई आ चुके हैं जी, और मैं बस आपको ना खाने दिखा देता हूँ कि हमने पहली अफ्तारी में क्या क्या बनाया भाई। ओए होए होए भाई, इधर हैं जी पकौड़े आलू वाले, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और इधर भाई हमारी बनी हुई जी चना चाट, और पत्नी सारी सब्जियां डली हुई हैं इसमें, देख के मुंह में पानी आ रहा है भाई। जल्दी जल्दी करो भी, खाओ यार टाइम दिया। ओए होए होए होए, इधर से फ्रूट चाट है, साथ में क्या है रायता है, और जामशीरी है भाई, खजूरें हैं, और इधर केचप वगैरह है, और ये सारी फैमिली बैठ गई थी। रोटियां आजकल खाना खाता ही कोई नहीं अफ्तारी के बाद, भूख ही नहीं लगती। तो पहला रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, बस तकरीबन 5 से 7 मिनट रह गए, तो हम अपनी अफ्तारी करते हैं जी। आप लोग भी अफ्तारी करें, बल्कि आप लोग तो व्लॉग देख रहे होंगे, अफ्तारी कर चुके होंगे, तो आप भी कमेंट्स में बताएगा कि आपने पहली अफ्तारी में क्या क्या खाया। हमारा तो भैया आपने देख लिया है जी, पकौड़े साथ में चना चाट साथ में फ्रूट चाट, आज छोटी सी पहली हमारी सारी फैमिली के लिए ये अफ्तारी थी। तो अफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं भाई। भाई 1 मिनट रह गया अफ्तारी में, और 1 मिनट गुजर ही नहीं रहा, मौलवी साहब बोल ही नहीं रहे, कब से इंतज़ार कर रहे हैं सारे बैठ के उधर। आखिरी 5 मिनट बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ले भाई अफ्तारी करते हैं जाके। भाई चना चाट जो है ना बड़ी मजे की बनी हुई है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इधर जो है फ्रूट चाट है, तो हम भी डाल के अपना सारा दिन का जो भूख प्यास है ख़त्म करते हैं माशाल्लाह। ये भाई माशाल्लाह पकौड़े हैं, और इधर रहा जी रायता। पहले ही बंदा फौरन पानी पी लेना तो पेट वो ना ऐसे फूल जाता है, फिर कुछ ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। पहले खा लो फिर आराम से 2-3 घूंट पानी पियो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। भाई फ्रूट चाट और चने चाट दोनों मिक्स करके खाओ, बड़ी मज़े की बनी हुई है। अफ्तारी हमारी हो गई है, नमाज भी मगरिब की अदा कर ली है जी। अब जो है ना भाई बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करते हैं जी, और हम बर्थडे की सेलिब्रेशन जो है ना इसी रूम में करेंगे। माशाल्लाह से इतना प्यारा तैयार किया है, तो यही बनती है। मज़े की बात आपको बताऊं भाई, मैंने अभी तक 1 घूंट पानी का पिया, सिर्फ 1 घूंट अभी तक पानी नहीं पिया। वो जैसे ना वो चाहत होती है ना पानी की अफ्तारी के टाइम, वो ख़त्म हो गई है खाने वगैरह खा के, तो थोड़ी देर तक ही पानी पीऊँगा इंशाल्लाह। फिलहाल जो है ना हमने गुब्बारे वगैरह फुलाने हैं, और जो बाकी ये चीज़ें वगैरह वो लगानी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं भाई फाइनल लुक। बाहर मतलब बैकग्राउंड में लगाने के लिए तो कुछ नहीं है, मेन गुब्बारे ही हैं। गुब्बारे जो है ना फाइनली हमने भाई फुला लिए हैं, जिधर आप देख सकते हो भाई सारे 4 कलर के मैं गुब्बारे लेके आए थे। सारे जो है ना भाई नहीं फुलाए, क्योंकि फिर जो है ना फट जाते हैं, कचरा हो जाता है, बस थोड़ी देर के सेलिब्रेशन के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही बहुत है भाई, इनको अभी इधर फैला देंगे या टेबल के ऊपर इनको डेकोरेट करता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर केक कटिंग की सेरेमनी जो है ना करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन कर दिए जी, पीछे वो कुछ पर्दे के ऊपर बलून्स लगा दिए, और कुछ इधर भी टेबल के ऊपर चिपका दें, ये दरमियान में जगह छोड़िए केक रखने के लिए। मुझे बस यही डेकोरेशन करनी आती थी, बहुत ज़्यादा वो जो बैनर्स वगैरह थे वो इस रूम में लगाने की जगह भी नहीं थी, और वो मैंने लगाया भी नहीं है, तो बस अब केक कट करेंगे। सब लोग आ चुके हैं भाई, अब जो है ना बगैर टाइम वेस्ट किए जो है ना केक कटिंग सेरेमनी हम अपनी स्टार्ट करते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू की जाए भाई। सारे जो मेहमान आए वो लाए के आए गिफ्ट अपने अपने, चले अरेंज कर ले, आप अरेंज कर ले, भाई सरप्राइज यही था ना, किसी को भी नहीं पता था। केक कटिंग स्टार्ट करते हैं जी, सारे पकड़े भाई छुरी, 1 2 चले भाई, कैंडल जलाई नहीं, ओ कैंडल तो जलाई। ओ भाई कैंडल जलाना फिर भूल गए एक्साइटमेंट में ना। चलो भाई अभी कैंडल जल रही है, मैंने पार्लर लेके जा दी है, कैंडल्स भी जल गई हैं जी। अब हमने अपने केक कटिंग से स्टार्ट करते हैं जी, फूंक भाई वो खुद मारेंगे, चले भाई। हैप्पी बर्थडे,
ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਗਵਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੇ ਬਈ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸਭ ਕਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਏ ਕੇਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ चले भाई हैप्पी बर्थडे भाई सहर को और सहर के पेरेंट्स को भी भाई हैप्पी बर्थडे सहर की तरफ से बहुत ज्यादा मुबारक हो हमारी तरफ से तो अभी केक कट कर सबको जो है ना भाई केक खिलाएं और इधर भाई देख लो मेरे कारपेट रूम का क्या हाल कर दिया है मैं इसीलिए ये नहीं चलाना चाह रहा था लेकिन जोश में आके मैंने चला दिया चले भाई अब जो है ना सहर सबका मुँह मीठा करवाएगी सबसे पहले भाई अम्मा हो गई थी चले माशाल्लाह सबका मुंह मीठा हो गया बाकी भाभी चाचियां ना ये तो चाचियां होंगी सही चाचियों का भी मुंह मीठा करवाओ भाई चाचुओं का भी चले भाई सबके मुंह मीठे हो गए जी अब हम केक खाते हैं और फिर खाना खाएंगे और अफ्तारी और हमारी जो ना सहर की बर्थडे पार्टी होगी और इधर वाला बैग अच्छा भाई हाँ एक चीज और रह गई ये भाई सहर के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है ये लो भाई साहब ये खुद देख लेना खोल के वो देखो तुम उधर देखो हम अपनी जेबें देख रहे हैं निकाल बाजी के लिए चलो भाई ये सहर के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट था और ये इधर भाई कोई गिफ्ट पड़ा हुआ ये किसकी तरफ से है ये हमारी तरफ से गिफ्ट थैंक यू जनाब थैंक यू जी तो टाइम जो है ना अभी हो गया है जी 8 बज गए हैं जी इशा की नमाज का टाइम हो गया है फिलहाल वीडियो को भी करते हैं जी खत्म और अभी तक मैं यकीन मान जो वो एक घूंट के अलावा मैंने पानी नहीं पिया तो अभी पानी भी पीता हूँ प्यास मर गई है जैसे ना तो पानी भी पीते हैं और नमाज वगैरह पढ़ते हैं तरावियाँ भी पढ़नी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप सो आज की ये अफ्तारी की रूटीन और सहर की बर्थडे रूटीन आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर मस्ट टेल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।